ओम वंदे गौ मात्र। मित्रों, आज मैं अपने घर की छत पर हूँ और कुछ करने जा रही हूँ। आप देखेंगे, वैसे बारिश हो रही है, बारिश का मौसम है। मेरे हाथ में कटोरा है, इसमें कुछ नमकीन है और आप देख सकते हैं मेरी छत पे कुछ मेहमान बैठे हुए हैं। अब इन मेहमानों के लिए मैं रखने जा रही हूँ और इन मेहमानों को क्यों खिलाना है मैं आपको वो भी बताऊंगी, ताकि आपको सारी बातें स्पष्ट हों। ये कितना आवश्यक काम है जो हमें करना ही चाहिए, हम नहीं करते हैं तो हमारे यहाँ कितनी बड़ी इससे समस्या हो सकती है, ये हमें समझना होगा कि हमारे यहाँ पूरा समय होता है। अभी देखना, ये सारे यहाँ आएंगे और इनको बड़े चाव से खाएंगे। हाँ, अलग अलग चीजें देती हूँ, कभी कुछ बना लिया, जैसे दही चूड़ा भी देती हूँ, दूध पोहा भी। बारिश का मौसम है तो देने जैसी चीज नहीं है, क्योंकि मेरा नित्य क्रम बन गया है। करीब 1-1.5 महीने से मैं ये काम कर रही हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है करने में। क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है ना, हम अक्सर देखते हैं कि हम गाय की रोटी पहली रोटी होती है, अंतिम रोटी हमारे कुत्ते की होती है, जैसा कि आप जानते हैं। लेकिन हम कभी, और लोग कबूतर को भी दाना खिला देते हैं व्यापार बढ़ाने के चक्कर में। बारिश हो रही है इसलिए थोड़ा दूसरी तरफ जाऊं, नहीं तो खाने नहीं आएंगे। हाँ, कटोरा यहाँ रख देती हूँ। हाँ, अब क्या है ना, अब ठीक है, अब मैं बिना बारिश के, अब यदि आप दूर देखेंगे ना, वो बैठे बैठे वहां दूसरी छत के नीचे वहां खा रहे हैं, क्योंकि वहां खड़े रहोगे तो नहीं आएंगे। अभी खिलाना क्यों जरूरी है, थोड़ा उस पर बात करूंगी और बाकी सारी चर्चा मैं आपसे करना चाहूंगी। क्योंकि क्या होता है ना, हम कभी कभी कुछ बातों को समझते नहीं है और कहते हैं अरे ये तो दकियानुसी बातें हैं, ऐसा हमें क्या करना। आपने कौओं को खिलाने के लिए कई बार सुना होगा, पितृपक्ष में जो खिलाया जाता है, कि अरे जीते जीते माता पिता को पूछा नहीं, मरने के बाद कौए को बाप बना रहे हैं। बहुत सी बातें ऐसी आपने सुनी होंगी और जानी भी होंगी। पर मित्रों, मैं आपको इसके संदर्भ में कुछ अलग बात बताना चाहती हूँ। अलग बात क्या बताना चाहती हूँ, वो क्यों जरूरी है जानना, क्योंकि मित्रों, ईश्वर ने जिस किसी जीव को बनाया है उसको समष्टि के कल्याण के लिए बनाया है, ना कि किसी के नुकसान के लिए। अब कौवा जो हमारी प्रकृति में सबसे बड़ा काम करता है, वो क्या करता है मैं आपको बता दूं तो आप समझेंगे कि हाँ वाकई ये काम करने जैसा है। मित्रों, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, हम पहली रोटी गाय की होती है, अंतिम रोटी कुत्ते की होती है, हम खिला देते हैं। शहर वाले नहीं खिला पाते क्योंकि उनकी इतनी व्यवस्था नहीं होती है, पर हाँ ये हमें करना चाहिए जैसा कि आप जानते हैं। और जैसे कहा, व्यापार बढ़ाने के लोग कबूतर को भी दाना डालते हैं, चींटियों को भी अपने कुछ, उसका भी कुछ लाभ होता है, मुझे भी ध्यान नहीं आ रहा है, उसके लिए चींटियों को भी खिलाते हैं। पर कौआ काव काव करता है, लोगों को कौए की आवाज पसंद नहीं आती, इसलिए लोग कौए के चक्कर में जल्दी नहीं पड़ते, कौए के बारे में जल्दी नहीं सोचते हैं। पर पितृपक्ष में ऐसा विधान है, कहा जाता है कि यदि आप कौओं को खिलाएं तो आपके पितृ दोष नष्ट हो जाते हैं, साथ ही काल सर्प दोष जैसा दोष भी नष्ट हो जाता है, इसलिए कौओं को खिलाना अनिवार्य होता है। अब मित्रों, इसके पीछे, ऐसा कहने के पीछे कारण क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ एक बात होती है, हम एक कहते हैं ना, मानसिकता के साथ जीते हैं। यदि हमें किसी चीज से डरा दिया जाए तो हम उस चीज को पूरे मन से करते हैं। यदि हमें लगता है कि अरे करेंगे ठीक है तो कोई तो कर ही लेगा, हम ऐसी सोच के साथ हमेशा अपने जीवन को चलाते हैं। इसीलिए मित्रों, ऐसी चीजें इसके साथ लागू की गई ताकि हम उस बात को समझें। मित्रों, कौआ क्या काम करता है मैं आपको वो स्पष्ट कर दूं। आप जैसा कि जानते हैं कि दो पेड़ हैं, विशेषकर एक पेड़ है पीपल, जो 2400 घंटे ऑक्सीजन देता है, आप जानते हैं। और मित्रों, पीपल और बरगद का पेड़ भी कितना काम का, वो भी ऑक्सीजन तो देता ही है, और साथ ही उसकी जो घटा है, जो छाया, वो इतनी बड़ी होती, इतनी विशाल होती है कि उसके नीचे पहले बसेरे यानी कि लोग रहा करते थे, आने जाने वाले यात्री उसी के नीचे विश्राम करते थे। पर आजकल वैसे विशालकाय बरगद देखने को नहीं मिलते हैं, और बरगद को बढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगता, वो तो ऊपर से भी जड़ पकड़ लेता है, नीचे से भी जड़ होता है, तो कैसे बढ़ जाता है। लेकिन पीपल ऐसे नहीं बढ़ता। हाँ, पीपल का बीज बहुत जल्दी उगता है। और मित्रों, आपको बता दूं, जो कौवा है ना, वो पीपल और बरगद के जो फल आते हैं उसको टीटी बोलते हैं, शायद हमारी देशी भाषा में, वही खाता है। लेकिन क्या होता है कि इस मौसम में उसको फल नहीं मिल पाते, और इस मौसम में यानी कि जो बरसात का मौसम जाता है, उसके बाद जो शरद ऋतु का मौसम आता है, जब पितृपक्ष होता है, शरद ऋतु से थोड़ा ही पहले पितृपक्ष होता है भादरों में, तो वो क्या होता है ना, उस समय जो कौवा है वो कौवा जो मादा कौवा होती है गर्भवती होती है। अब जब उसको गर्भ धारण किया तो उसको अच्छा अच्छा खाने को मिलना चाहिए ना, नहीं तो गर्भ पोषित कैसे होगा। तो ऐसी स्थिति में ये इनके खाने का इंतजाम किया जाता है, ताकि ये जो खाते हैं, क्योंकि आपने देखा है पीपल का पेड़ आपके घर में कहीं दरार है, सीमेंट के बीच में भी उग जाएगा, उसको उगने में दिक्कत नहीं होती है, पर उगे कहां, बीज पड़े तब तो उगे। आप ऐसे बीज डालिए तो पीपल जल्दी नहीं उगता है,
और कौवा यदि बीट कर दे तो पीपल बहुत जल्दी से उगता है, तो इसीलिए कौवा जहाँ जहाँ पोटी करता है, जहाँ वो बीट करता है वहाँ पीपल उग जाता है। और कौवा की बीट, कौवा पोषण पाए, कौवा विकसित हो, कौवे की वंश वेल आगे बढ़ती रहे, इसलिए मित्रों हमारे पूर्वजों ने बड़ा ही सोच समझ के कौओं को खिलाने का विधान किया है। और इसको बड़ा ही साइंटिफिक तरीके से आप देखेंगे मित्रों, हम आज देखते हैं कि वृक्षारोपण के नाम पे आप देखते हो वो लंबे लंबे पेड़ बो दिए जाते हैं, जिसको हम नीलगिरी का पेड़ कहते हैं या अशोक का पेड़ कहते हैं। वो रियल अशोक है ही नहीं, अशोक का पेड़ तो घटादार होता है, वो अलग ही होता है, पर ये अशोक अशोक नहीं है जो बोया जाता है। इसका कोई यूज नहीं, इसका बस लकड़ी आप इस्तेमाल कर लीजिए कहीं कुछ करने में, बाकी इसका कोई और यूज नहीं है, और ये सिर्फ वातावरण को खराब करते हैं। वहीं पीपल और बरगद जैसे पेड़ घर में नहीं लगाए जाते हैं, क्योंकि ये इनकी जड़ें इतनी मजबूत होती जमीन को बांध के रखती हैं, और यदि ये जाती है ना जहां वहां जो आर्टिफिशियल जमीन होती है ना, जिसे हम घर बनाया है कहते हैं ना, खोदा गया है, उसको ये फाड़ देती है, इसलिए जमीन को बांधती है लेकिन सीमेंट को फाड़ देती है। ये हमारे पेड़ की जड़ें जो है ये काम करती हैं, इसलिए मित्रों घर में नहीं लगाया जाता। पर हाँ, यदि आप घर से बाहर थोड़ी दूर पे लगाते हैं, और पीपल के पेड़ होने चाहिए क्योंकि ये संविधा के रूप में काम आती है। और साथ ही आपको बता दूं, हमारे यहाँ जो अंत्येष्टि की जाती है, जो शव जलाया जाता है, उसके लिए भी पीपल की लकड़ी विशेषकर इस्तेमाल की जाती है। मित्रों ये लकड़ी ज्यादा चलती नहीं है, इसकी लकड़ी मतलब टिकाऊ नहीं होती है, तो इसका उपयोग ऐसा ही है। पर हाँ, हमारे यहाँ बहुतायत में पीपल की आवश्यकता थी, क्योंकि शवदाह भी करना है और लोग पहले हवन भी करते थे, इसलिए पीपल को बचाने के लिए कौओं को बचाना परम आवश्यक है, इसलिए कौओं को खिलाना भी उतना ही आवश्यक है। तो मित्रों आशा है आपको ये बात स्पष्ट हो ही होगी कि कौओं को दाना क्यों खिलाना है। और दाना कौवे अक्सर मैंने देखा है, जो मैंने खिलाया उसमें पकौड़े ये नहीं खा पाते, मुझे पता नहीं, पर मैंने पकौड़े दो बार दिए हैं, इन्होंने पकौड़े उतने मन से नहीं खाए हैं। एक बार तो दही बड़े बच गए थे तो मैंने दिए पर नहीं खाए। हाँ, पर दही पोहा खा लेते हैं, दही चूड़ा खा लेते हैं, दही कुरमरा जो आता है ना, जो फूला हुआ चावल का दाना, तो वो खा लेते हैं। और बाकी इनको आप नमकीन के रूप में दीजिए, सब खा लेते हैं। क्योंकि मैं वो अक्सर जब कुछ बनाती हूँ तो वो देती हूँ, रोटी दीजिए, रोटी भी खा लेते हैं। और मैंने किसी वीडियो में देखा था अंडे भी खा लेते हैं, क्योंकि कौवा जो है वैसे सब कुछ खाता है, पर बरसात के मौसम में जो है ना, पानी भरा होने के कारण उसको खाने पीने को कम मिल पाता है। वैसे तो बाकी जीवों को भी नहीं मिल पाता है। चिड़ियों के लिए आप छोटे छोटे चावल के दाने रख दीजिए, यदि चिड़ियां आती हैं तो वो भी बड़ा अच्छा काम है। अब आप बोलेंगे कि हम ये सब क्यों करें। मित्रों हम मनुष्य हैं, और मनुष्य जो है ना वो मानवता से पहचाना जाता है, और मनुष्य के ऊपर सब जीवों की जिम्मेदारी होती है। हम जिसे नहीं समझ रहे हैं, और हम नहीं समझ रहे हैं इसीलिए हम देखते हैं कि हम इतने तनाव में, इतने टेंशन में भर गए हैं। आप यदि थोड़ा सा काम शुरू करते हैं, थोड़ा सा इन जीवों के प्रति देखना शुरू करते हैं, और इन जीवों के लिए कुछ करना शुरू करते हैं, आप देखिए आपको मन में कितना आनंद, कितनी खुशी मिलेगी। और जब ये खुशी आपको मिलेगी ना, तो स्वाभाविक है कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा होता चला जाएगा। अब मित्रों कौवे की तो बात मैंने कर ली, गाय और कुत्ते को क्यों खिलाना, उस पर हम कभी फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि गाय का भी दिन आता है। हमारे यहाँ गोवर्धन द्वादशी भी होती है, उसके बाद गोवर्धन पूजा भी होती है, वो सारे गाय के ही बखान करते हैं। क्योंकि गाय जो है वो आपको बता दूं तो आप जैसा कि जानते, उसमें 33 कोटि का मतलब करोड़ नहीं मानना, 33 प्रकार के देवी देवता, हमारे हिंदू धर्म में 33 प्रकार के देवी देवता माने जाते हैं, उन सबका वास अकेली गाय में माना जाता है, इसलिए गाय की पूजा की जाती है। और ये ऐसा क्यों है मित्रों, क्योंकि गोमय वसते लक्ष्मी, यानी कि गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास क्यों होता है, क्योंकि जो गाय का गोबर, जो गौमूत्र है, वो इतनी बड़ी औषधि है, कि आपको बता दूं कैसा भी रोगी हो, कोई भी रोगी हो, वो गोमूत्र और गोबर के रस के सेवन से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। स्किन डिजीज को भी आप गोबर से स्नान करके ठीक कर सकते हैं, और ऐसा हमारे शास्त्र में वर्णन भी मिलता है, और प्रैक्टिकल करने वाले, क्योंकि उसमें कुछ जड़ी बूटियां वगैरह मिलाया जाता है, तो यदि कोई गौ चिकित्सा करता है तो वो बड़े अच्छे से चिकित्सा करते हैं। और मित्रों कुत्ते को जो है ना, एक और चीज बताई जाती है कुत्ते के बारे में, मैंने एक सन्यासी से सुना था, क्योंकि उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने एक साधना की थी, शायद शमशान साधना उन्होंने की थी, तो उस समय बोले मैं रात को शमशान में रुकता था। और मित्रों मैं एक बात और बता दूं आपको, हमारे जो शास्त्र हैं, जिसे हम चरक संहिता कहते हैं, जिसमें आयुर्वेद यानी स्वास्थ्य का वर्णन है, चरक संहिता ये कहता है कि भाई भूत विद्या होती है। यदि चरक संहिता भूत विद्या को मानता है, इसका मतलब है कि ये भी दोष हमारे जीवन में हमें लगते हैं।
अब आपको एक बात बता दूं, यदि ये दोष लगते हैं इसका मतलब है कुछ ऐसी चीजें होती हैं, पर आप कितने मजबूत हैं कितने कमजोर हैं उस पर इनका प्रभाव, उस हिसाब से इनका प्रभाव आपके ऊपर होता है। तो जब वो सन्यासी श्मशान साधना कर रहे थे, उन्होंने मुझे एक बात बताई, बोले प्रभा जी मुझे कुत्तों ने बचा के रखा, क्योंकि मुझे साफ पता चलता था कोई जा रहा है पर मुझे दिखाई नहीं देता था, और कुत्ते उसके पीछे भौंकते थे वो भाग जाता था। मतलब कुत्ते जो है ना, जो जिनके शरीर नहीं होते हैं भूत आदि को, उनको अच्छे से देख सकते हैं, और यदि उनको, इसीलिए आप देखो कई बार कुत्ते आपको कुछ दिखाई नहीं देता फिर भी कुत्ते भौंक रहे होते हैं, इसका मतलब है कुछ ऐसी बातें होती हैं कि कुत्ते भौंकते हैं। अब आप बोलेंगे कुत्ते तो अकारण भी भौंकते हैं, हाँ हमें लगता है कि कुत्ते अकारण भौंक रहे हैं, लेकिन यदि आप थोड़ी सी कुत्तों को समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कुत्ते कभी अकारण नहीं भौंकते, क्योंकि हम जो चीज नहीं देख पाते वो हमें नहीं दिखाई देती है पर उनको दिखाई दे रही है, तो वो क्या करें, इसलिए उनका रिएक्शन वैसा होता है। अब आपने एक चीज और नोटिस की, कभी की हो नहीं तो कर लेना आगे से, कि कभी कहीं आपके मोहल्ले में चोरी वगैरह होती है, उस दिन आप महसूस करना कि कुत्ते बहुत ज्यादा बोल रहे थे, क्योंकि मैंने ऐसा 2-3 बार नोटिस किया है हमारे आसपास। पर हाँ कहते ना, हो जाता तब पता चलता है, तो तब पता चला कि हाँ आज कुत्ते कुछ ज्यादा ही भौंक रहे थे, क्योंकि कुत्ते के भौंकने से आंख तक खुल गई, तब पता चलता है। तो मित्रों हमें इन जीवों को बहुत संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि हमारे सुरक्षा भी देते हैं, हमारा स्वास्थ्य भी देते हैं, और साथ ही हमारे स्वास्थ्य के रक्षण का इंतजाम भी करते हैं। इसलिए कम से कम पितृपक्ष में ही सही, इसी बहाने ही सही, इन जीवों को खिलाइए। और कुछ लोग ये गलती करते हैं कि भाई लकड़ी का कौवा, अक्सर ये ब्राह्मण कुछ गलतियां कर लेते हैं कि कौवा नहीं आ रहा है, चलो लकड़ी के कौवे को भोग लगा दिया। ऐसा मत करिए, क्योंकि आपको जो चीज सौंपी गई है आप उसका विधिवत पालन करिए, और यदि आप करते हैं ना, आप देखिए थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैंने तो पिछले कुछ दिनों से आदत बना ली है, और कहा ना अच्छा लगता तो मैं रोज करती, तो मेरी छत पे करीब 6 बजे से कौवे आके बोलने लग जाते हैं। वीडियो बनाना था इसलिए मैंने आज थोड़ा विलंब कर दिया, करीब 6:30 बजे 6:25 पे मैं छत पे आई हूँ, और इसीलिए लेट हो गया था, इसलिए मैंने पहले उनको डाला, ये तो काम काम करते ही रहेंगे। और क्योंकि काफी कुछ होता है मित्रों, सबको एक आस होती है जब हम कोई समय निश्चित करते हैं ना, और इनको घड़ी नहीं होती इनके पास, पर इनको टाइम बहुत अच्छे से पता चलता है। तो आशा है मित्रों आप मेरी बात को समझ पाएंगे और आप इस क्रिया को करेंगे, ताकि आप कौओं की आने वाली जनरेशन को संभाल सकें, क्योंकि वैसे चिड़िया भी खत्म हो रही है, चिड़ियों को, क्योंकि चिड़ी मार लेते हैं, और चिड़ियां जल्दी भोली होती हैं, छोटी होती हैं, छोटा जीव होता है जल्दी हाथ में आ जाता है। मित्रों किसी भी पक्षी को, किसी भी जीव को कैद करना अपने घर में, अपने प्रेमवश कैद करके रखना उसकी हित की बात नहीं है, इसलिए जानवरों को पालना नहीं चाहिए। हाँ गाय भैंस बकरी ये जो है ना, ये कहते हैं कि ये उसी के लिए बने हैं, पर हाँ जो आसमान नापने वाले पंछी हैं, यदि आप उनको पाल लेते हैं, आप समझिए ना, आप उनको आसमान से विरक्त कर देते हैं, आप खुले आसमान में घूमने वाली जीव हों और पूरी दुनिया आपको घूमने को मिले, और ऐसे में आपको घर में बांध दिया जाए, आपको कैसा लगेगा। और वैसे ही मित्रों कहते हैं ना कि हम खाने पीने को सब कुछ देते हैं, अरे आपके सर पे सोने की तलवार लटक रही है, सोने की तलवार ही लटक रही हो भले आपका गला काटने के लिए, और आपको 56 भोग परेस दिए जाए, सोने का घर दे दिया जाए, सब कुछ ऐशो आराम दे दिया जाए, आप कितने खुश रह पाएंगे। बस वही उन घर में बंधे पंछियों के लिए समझिए। आशा है किसी को थोड़ा बुरा भी लगेगा कुछ अच्छा भी लगेगा। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर का लिंक है जहां पर हमें फॉलो कर सकते हैं और हमसे प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अरे एक कबूतर आया बैठने गए दीवार पे यहाँ पे ये, और मेरे को देख के उड़ गया बेचारा। तो कबूतर को दाना कभी हम डालते हैं, क्योंकि कबूतरों को बहुत जगह दाना डाला जाता है पर कौओं को नहीं डाला जाता, इसलिए कौओं का हम विशेष ध्यान रखते हैं। तो धन्यवाद, वंदे मातरम।